हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 6 ट्रायंगल, और ये एक्सरसाइज हमारा 6.5 का एग्जांपल 10 है स्टूडेंट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है। अब यहाँ पर दे रखा है इन फिगर ACBC कितना है, 90 डिग्री है, मतलब ये 90 डिग्री दे रखा है। CD परपेंडिकुलर टू AB, CD परपेंडिकुलर टू क्या है, AB है। हमें प्रूव करना है BC का स्क्वायर डिवाइड बाई AC का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू BD डिवाइड बाई AD, ठीक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर स्टूडेंट, जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम में हमने दो ट्रायंगल लिया था, देखो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल लिया था, दोनों को सिमिलर प्रूफ के रेशियो प्रोपोर्शनल किया था। वैसे ही इस वाले छोटे ट्रायंगल CDBB एंड ACB, मतलब एक बार ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, एक बार ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ के रेशियो प्रोपोर्शनल करेंगे, तब ये हमारा रिलेशन बन पाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट कैसे प्रूफ करना है। तो जो बच्चे पाइथागोरस थ्योरम नहीं प्रूव करना जानते हैं, प्रीवियस वीडियो जाके देखें, वहां से उनको समझ में आ जाएगा कैसे प्रूव करना है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल, तो अब यहाँ पर देखो हम सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखो छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADC, अब देखो एक छोटा ट्रायंगल हो गया, अब देखो एन ट्रायंगल ACB, क्लियर है स्टूडेंट, ACB। अब क्या काम करेंगे हम, देखो अब यहाँ पे देखो ACB, देखो ADC एंड ACB में एंगल A दोनों में कॉमन है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन है स्टूडेंट, क्लियर है, कॉमन है, इतनी बात समझ में आई। और देखो एंगल A तो कॉमन हो गया, अब देखो ADC एंगल ADC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB क्या हो गया, ईच 90 डिग्री है कि नहीं स्टूडेंट, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हो गया, दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, तो मतलब दो ट्रायंगल के दो एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, कौन सी क्राइटेरिया, बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर, जैसे देखो ADC एंड ACB आपस में क्या हो गए, ये आपस में सिमिलर प्रूव कर चुके हैं, तो हम कह सकते, देखो छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है, देखो छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है, AC, बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट, AB, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर आप देखो यहाँ पर छोटे ट्रायंगल का वन साइड कंसीडर करेंगे, छोटे ट्रायंगल का वन साइड कितना है, AD, ये स्टूडेंट AD है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, छोटे ट्रायंगल का एक साइड क्या है AD, ठीक है, बड़े ट्रायंगल का एक साइड क्या है AC, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इंटू AD, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में, ऑलरेडी ये प्रूव कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम में, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन वन बना लेंगे, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट, अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, अब देखो जैसे ये वाला ट्रायंगल लिया, अब क्या लेंगे ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे BDC, अब देखो इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल, देखो BDC एंड ट्रायंगल ACB, ठीक है, ACB ट्रायंगल ACB, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंगल B दोनों में कॉमन है, देखो कैसे, देखो BDC एंड ट्रायंगल ACB, मतलब ये पूरा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल B क्या है, कॉमन है स्टूडेंट, कॉमन एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एंगल BDC ये भी 90 है और एंगल ACB 90 भी है, तो देखो BDC ट्रायंगल, सॉरी एंगल BDC इक्वल टू एंगल BDC इक्वल टू एंगल ACB, एंगल ACB ईच 90 डिग्री। तो देखो स्टूडेंट टू ट्रायंगल हमारे में दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, देखो ये कॉमन था और ये दिस वन एंगल इक्वल टू दिस वन हो गया, तो ये आपस में क्या, दो ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ACB, क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। क्या लिखेंगे, बाई AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्लियर है स्टूडेंट।
तो जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए तो करेस्पोंडिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से। तो अब यहां पर देखो, जो छोटा ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, बीसी, ठीक है। छोटे ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है, बीसी। बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस क्या है, एबी, ठीक है। छोटे ट्रायंगल का एक साइड हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बीडी। बड़े ट्रायंगल का एक साइड हम कंसीडर कर लेंगे, बीसी। अब ये क्या देगा, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एबी इंटू बीडी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत आसान है स्टूडेंट। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये सब प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें क्या प्रूव करना, देखो हमें क्या चाहिए, बीसी का स्क्वायर डिवाइड बाई एसी का स्क्वायर बीडी। तो क्या काम करते हैं, इक्वेशन 2/1 कर देते हैं, इक्वेशन 2/1 को डिवाइड करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करेंगे एंड राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट बहुत आसान हो गया अब तो देखो, बीसी का स्क्वायर डिवाइड बाई एसी का स्क्वायर, देखो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड डिवाइड कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या था हमारे, ये क्या था हमारे पास, ए बी इंटू बी डी, ठीक है। अब इसके नीचे क्या था, ए बी इंटू ए डी था, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कट रहा है स्टूडेंट, देखो क्या कट रहा है, ए बी का स्क्वायर कट रहा है, ए बी कट रहा है, कैंसल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी डिवाइड बाई ए डी, ठीक है। यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट, देखो यही तो हमारे पास सामने दिख रहा है, यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है। देखो बी सी का स्क्वायर हो गया, ए सी का स्क्वायर हो गया, बी डी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई ए डी, हिंस प्रूव्ड। क्लियर है स्टूडेंट, हिंस प्रूव्ड, बहुत आसान था स्टूडेंट, कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस थ्योरम जो प्रूव किया। देखो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे हमने एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन कर लिए थे, 2-3 क्वेश्चन तो कर ही लिए थे, ठीक है। और ये भी एग्जाम्पल भी उसी से रिलेटेड है, तो आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये एग्जाम्पल 11 है हमारे, आपके ही बुक का है। अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल सच दैट इट्स फुट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप इज रीचेज टू विंडो, ठीक है। टॉप देखो, इट्स टॉप रीचेज द विंडो ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। अगर मान लो ये विंडो है, सपोज करो हमारे पास ये विंडो दे रखा है, ठीक है, सपोज करो हमारे पास ये लैडर है, ठीक है। लैडर जो तुम्हारा बेस से क्या बोल रखा है, फुट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर फ्रॉम द वॉल, मतलब ये क्या है, 2.5 मीटर पर है, ठीक है, फ्रॉम द वॉल एंड इट्स टॉप इज रीचेस 6 मीटर अबव द ग्राउंड। ये जो लेंथ है कितना है, 6 मीटर है, सपोज करो ये कितना है, 6 मीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ लैडर, हमें लेंथ ऑफ लैडर, अगर रफली डायग्राम बनाना चाहेंगे स्टूडेंट तो ऐसे बनेगा। देखो सपोज करो ये तो वॉल बना दिया हमने, अगर ऐसे बनाना चाहेंगे ट्रायंगल के हिसाब से तो ट्रायंगल बना सकते हैं, देखो ऐसे है, ठीक है, हमारे पास ए बी एंड सी है, ठीक है। ये कितनी लेंथ है, 6 मीटर है, क्लियर है। और ये हमारे पास ये कितना है, 2.5 मीटर है, हमें लेंथ ऑफ लैडर बतानी है। और आपको पता है जो वॉल होगा ग्राउंड से कितना होगा, 90 डिग्री एंगल पर होगा, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ये हमेशा राइट एंगल कंसीडर करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जा सकता है। देखो स्टूडेंट इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और ये कितना है, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट, 36 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, 25 का स्क्वायर, 25 मतलब पॉइंट अभी रन तो कितना होगा, 6.25 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 36 प्लस 6.25 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 42.25 हो जाएगा, ये हमारा ए सी का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट। अब इसका हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 42.25, क्लियर है। तो ये प्लस माइनस देगा, अब इसका जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका हमारा जो स्क्वायर रूट होगा आपका ए सी इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस आपका 6.2 आएगा, 6.5 आएगा, आई थिंक 6.5 आएगा, ठीक है। आप देखिए आपने बचपन में 8th में सीखा होगा, 7th में सीखा होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो इसका आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
इतनी बात समझ में आ रही है। ये सेवेंथ और एट्थ का कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर रूट कैसे निकलना है। तो अब देखो प्लस माइनस है, तो हमें जो लेंथ ऑफ लैडर होगा उसका तो निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए 6.5 पॉजिटिव वाला ही कंसिडर करेंगे, और ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, मीटर में होगा स्टूडेंट। क्लियर है? तो फाइनली हम कह सकते हैं 6.5 मीटर हमारा आ जाएगा, तो हम फाइनली कह सकते हैं देयर फॉर लेंथ ऑफ लैडर इज 6.5 मीटर, देयर फॉर लेंथ ऑफ द लैडर इज 6.5 मीटर। ठीक है, तो जो ये लैडर होगा, ये जो लैडर लेंथ होगा, जिस ये लैडर होगा इसकी जो लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट, ये लैडर है हमारे पास जो चल रहे हैं, इसकी कितनी होगी 6.5 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, डायग्राम पेपर में ऐसे, मैं तो इस समझाने के लिए ऐसे बना रखा है, पेपर में आप डायग्राम ऐसे बना सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल 12 है, ये दे रखा है इन फिगर AD, AD परपेंडिकुलर टू BC है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी दे रखा है एग्जाम्पल सॉल्व करने को। देखो AD परपेंडिकुलर टू BC है, हमें प्रूव करना है AB का स्क्वायर, CD का स्क्वायर इक्वल टू BD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। इसका मतलब हमें ये दो राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? क्यों? क्योंकि देखो AD साइड है ही नहीं, दोनों में किसी कहीं में भी नहीं है, ना लेफ्ट हैंड साइड है ना राइट हैंड साइड, तो दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AD को एलिमिनेट करना होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, इन ट्रायंगल AD B। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट, D पे कितना है 90 डिग्री है। क्लियर है? क्यों? D की जगह पर ये भी लिख सकते हैं AD B। ठीक है, AD B कितना है 90 डिग्री है। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो जो हमने प्रूव करना था वहां पे AD नहीं था, एक काम करते हैं हम AD को एलिम, बाकी सारे हैं देखो, BD है, DC है, AC है, BD AB है, बट AD नहीं है, मतलब फोर साइड्स हैं। फोर साइड कौन कौन सी है, BD है, BA है, AC है, DC है, बट AD नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमें क्या करना होगा, AD को एलिमिनेट करना होगा। तो AD यहां से हम निकालेंगे तो क्या जाएगा, इसको इधर लेके आओ, तो AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये क्या होगा AD का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? तो AD हमने निकाल लिया, AD क्या है, इसको इधर लेके जाएंगे तो AD आ जाए, तो इसको हम इक्वेशन 1 बनाएंगे। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करेंगे स्टूडेंट, इन ट्रायंगल ADC। इसमें भी हम देखो ये क्या है, एंगल ADC कितना है, एंगल ADC कितना है 90 डिग्री। यहां पर लिख सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस पूरा कंप्लीट लिखिएगा आप, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है ADC, देखो एंगल ADC क्योंकि 90 डिग्री है, तो हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसमें भी रीजन क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्लियर है? अब हमें क्या करना है, AD को एलिमिनेट करना है, क्योंकि AD यहां से भी निकाल, तो AD यहां से भी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, AD का स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दो स्टूडेंट, यहां से भी AD हमें आ गया, देखो यहां से भी हमें AD मिल चुका है और यहां से भी हम AD मिल चुका है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से दोनों को इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, दोनों को हम AD से इक्वेट कर देंगे। तो यहां पर देखो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ये भी आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं दिस वन, देखो ये आपस में इक्वल तो है ही, ऑलरेडी इक्वल है, AD का स्क्वायर इक्वल है, तो देयरफॉर AB दिस वन इक्वल टू दिस वन हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आए, DC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो रिप्लेस, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन कहीं भी दिख नहीं रहा, तो माइनस वाले को एक उधर ले जाओ और इस माइनस वाले को इधर लेके, क्यों, क्योंकि माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे, AB का स्क्वायर, अब देखो ये माइनस था इसको इधर लेगा, प्लस DC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है?
तो यही तो हमें प्रूव करना था। देखो ए बी का स्क्वायर प्लस डी सी का, डी सी का मतलब हम इस सी डी लिख सकते हैं, डी सी लिखो या सी डी लिखो बात वही होगी। तो अगर मान लो आपको समझ में नहीं आते, सी डी को डी सी भी लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। फिर क्या है, बी डी का स्क्वायर एंड ए सी का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, ये हमारे फाइनली आंसर हो गया। ये यही तो हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, कितना आसान था, बहुत आसान था ये तो, हिंस प्रूव्ड। क्लियर है स्टूडेंट, हिंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। तो देखो बच्चों ये एग्जाम्पल 13 है, ये दे रखा है बी एल एंड सी एम ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, बी एल एंड सी एम जो है मीडियन का काम कर रहा है। मीडियन का मतलब होता है कि अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मतलब दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल टू दिस वन, इसका मतलब ये है स्टूडेंट। क्लियर है, अब राइट एंगल एंड एंगल ए कितना है 90 डिग्री है। हमें क्या प्रूव करना है, 4 टाइम BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इक्वल टू 5 BC का स्क्वायर। तो यहां पर देखो स्टूडेंट, जो डायग्राम हमारे पास दे रखा है, यहां पर सारे हाइपोटेनियस का स्क्वायर दे रखा है। यहां पर देखो ये क्या दे रखा है, BL का स्क्वायर। BL क्या है, हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल BLA है। ठीक है, BLA जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हाइपोटेनियस क्या है, BL है। CM किसका है, CM किसका स्क्वायर है, मतलब देखो किस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, CMA का हाइपोटेनियस है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। एंड BC जो है बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, BC जो है बड़े वाले ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, BCA का है। क्लियर है स्टूडेंट, आई बात समझ में। इसका मतलब हमें तीनों ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल, BLA में भी, ठीक है, CMA में भी और BCA में भी, सब में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना ही होगा स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि सारे हाइपोटेनियस दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लाइन ऑफ थिंकिंग यही होनी चाहिए स्टूडेंट, पहले जो प्रूव करने का दे रखा है उसके बारे में आपको सोचना होगा क्या दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यह देखा कि तीनों राइट एंगल ट्रायंगल है और तीनों में हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना ही पड़ेगा। तो पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रखा है मीडियन का, उसको हम लिख लेते हैं स्टूडेंट। देखो हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या होगा, देखो BL and CM आर द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो BL जो है, BL इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, मतलब क्या हो जाएगा, CL देखो यहां पे लिख लेंगे स्टूडेंट, CL और LA जो होगा, LA हाफ ऑफ AC होगा। क्लियर स्टूडेंट, इसका रीजन क्या लिख लेंगे, इसको इक्वेशन वन बना लेंगे। ठीक है, अब इसका रीजन लिख लेंगे BL इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, BL इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है, वैसे हम इसके लिए भी लिख लेंगे BM इक्वल टू MA, BM इक्वल टू MA। क्लियर है स्टूडेंट, BM इक्वल टू MA क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, हाफ ऑफ AB। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे, इसका भी रीजन हम लिख लेंगे CM। ठीक है, पहले क्या लिखे थे, BL लिखे थे, अब क्या है, सी एम इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, CM है, CM इज अ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही, ये हमने लिख लिया। इसको हमने ऐसा क्यों लिख लिया, क्योंकि आगे चल के यूज होने वाला है स्टूडेंट। क्लियर है, अब यहां पर देखो, अब सब में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखो पहले बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल BCA, ठीक है, इन ट्रायंगल BCA, एंगल A कितना है 90 डिग्री है स्टूडेंट। क्लियर है, एंगल A कितना है 90 डिग्री, तो क्या करेंगे, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर लिख लेंगे, AC का स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, इसको हम थर्ड इक्वेशन बना लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये तो हो गया, थर्ड इक्वेशन बना लिया। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल, अब देखो BLMA बात करेंगे, यहां से भी ब्रेक करके कर सकते हैं, AB को क्या ब्रेक कर सकते हैं। देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं कि एक ही मेथड से आप सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट, यहां से भी कर सकते हैं। जैसे BC का स्क्वायर हमने किया, तो यहां से हम इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम ब्रेक करके भी कर सकते हैं, कैसे, देखो AB का स्क्वायर है, तो AB को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं, AM प्लस MB। ठीक है, AM प्लस MB कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक करके कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने को। ठीक है, हम दूसरे तरीके से करके देखते हैं। देखो इन ट्रायंगल BAL में, देखो BAL, ठीक है,
अब इसमें भी क्या है, एंगल ए कितना है 90 डिग्री है, तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या होगा बीएल, बीएल का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, बीएल का स्क्वायर इक्वल टू बीए का स्क्वायर प्लस एएल का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, ये हम क्या लिखेंगे इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहां पर देखो एएल को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, एएल को हाफ ऑफ एसी लिख सकते हैं। क्लियर है, यहां हमने लिख रखा पहली इक्वेशन हमने बना रखा था ए, देखो क्या था हमारे पास एएल और सीएल, क्या लिख सकते हैं हाफ ऑफ एसी लिख सकते हैं, ये हमने इक्वेशन बना रखा है स्टूडेंट। तो देखो बच्चों अब क्या हमने प्रूव किया, बीएल का स्क्वायर इक्वल टू बीए का स्क्वायर, मतलब बीएल का स्क्वायर इक्वल टू बीए का स्क्वायर प्लस एएल का स्क्वायर। तो एएल हमने क्या माना था, एलए या ए, क्या हाफ ऑफ एसी था, तो यहां पर पुट कर लेंगे। देखो यहां पर मैं कर दे रहा हूं स्टूडेंट, क्लियर है। तो देखो बीएल, बीएल का स्क्वायर इक्वल टू बीए, बीए का स्क्वायर, और एएल को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट हाफ ऑफ एसी, हाफ ऑफ एसी का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो बीएल का स्क्वायर और ये क्या होगा बीए का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 1/4 एसी का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, अब यहां पे देखो सिंपली बीएल का स्क्वायर और ये क्या होगा बीए का स्क्वायर, और ये देखो एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम इसका देखो ये आ जाएगा आपका, अगर मान लो एलसीएम लेके सॉल्व करते हो ये आ जाएगा आपका तुम्हारा 4 और ये 4a का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर आ जाएगा। आप करके देखिएगा एलसीएम को, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसको इससे डिवाइड करो 4 देगा, 4 इंटू ए बी ए का स्क्वायर 4ba का स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू ac का यही आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 ये क्या हो जाएगा bl का स्क्वायर इक्वल टू 4ba का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, ये समझ में आ रही बात, तो ये हमारे पास नई इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, देखो इसको हमने क्या माना था, ये थर्ड माना था, इसको हम फोर्थ दे देंगे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट, इसको हम फोर्थ कंसीडर कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब ये तो हमने बीएल में निकाल लिया, अब हम कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे सीएमए में। देखो इन ट्रायंगल सीएमए, देखो कैसे करते हैं, इन ट्रायंगल सीएमए, इन ट्रायंगल देखो आपको दिख रहा होगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल CMA, CMA, अब एंगल A कितना है 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं CM का स्क्वायर, CM का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट MA, MA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर। क्लियर है, क्या लिखेंगे बाय, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है स्टूडेंट, अब क्या काम करेंगे यहां पर, अब देखो स्टूडेंट, अब हम यहां पर जिसे यहां पर देखो सी ए, सी ए को तो हम परेशान नहीं करेंगे, हम ए एम को परेशान कर सकते हैं। तो ए एम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एम को हाफ ऑफ ए बी लिख सकते हैं। देखो ए एम इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ ए बी, जैसे हमने यहां पर लिख रखा है ए एम इक्वल टू क्या होगा, एम ए इक्वल टू क्या होगा हाफ ऑफ ए बी फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन टू, अब यहां पर जो हमने लिखा था इसका रीजन भी लिख सकते थे। देखो यहां पर हमने लिखा था फ्रॉम इक्वेशन वन भी लिखना था, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हमने यूज किया है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू एल की वैल्यू हमने क्या यूज किया है हाफ ऑफ एसी यूज किया है, तो फ्रॉम इक्वेशन एक रीजन लिखना जरूरी है फ्रॉम इक्वेशन वन। ठीक है, यहां पर लिखना, अब यहां पर भी क्या लिखना होगा, चेंज करके लिखना होगा स्टूडेंट। देखो तो सी एम, सी एम का स्क्वायर तो ये क्या होगा एम ए, एम ए की जगह पर क्या लिखेंगे हाफ ऑफ, हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर लिखना होगा, फिर सी ए का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, अब इसका रीजन क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू। क्लियर है स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन टू ही तो था हमारा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, सी एम का स्क्वायर, सी एम का स्क्वायर इक्वल टू क्या 1/4 ए बी का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, सी ए का स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा इसका सी एम का स्क्वायर, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या 4 ए बी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम सी ए का स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्टूडेंट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 टाइम सी एम का स्क्वायर, और ये ए बी का स्क्वायर, और ये क्या देगा 4 सी ए का स्क्वायर। क्लियर है, ये फोर्थ हमने माना था, ये फिफ्थ मान लो। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आया कैसे सॉल्व करना है। अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, ऐड कर लेंगे इक्वेशन फोर्थ
और फिफ्थ को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखो ऐड करके देखो स्टूडेंट, अब देखो ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ ऐड करके देखो, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करो तो क्या होगा, 4 BL का स्क्वायर प्लस 4 CM का स्क्वायर। तो अब यहां पे देखो स्टूडेंट आ चुका है हमारा, देखो लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है, देखो 4 BL का स्क्वायर आ गया, 4 CM का स्क्वायर आ गया, क्योंकि 4 बाहर निकाल रखा ना यहां पर, देखो 4 बाहर निकाल रखा है, तो जो हमें प्रूव करना था उतना देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया। अब यहां पर क्या करेंगे, देखो ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड में दिस वन और दिस वन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो दोनों को ऐड करके लिखना पड़ेगा हमें, देखो तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 बी ए का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस 4 सी ए का स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, अब देखो इसको हम आगे करते हैं, देखो यहां पर 4, अब देखो 4 बाहर निकाल लेंगे, 4 क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 यहां पर भी है, यहां पर भी बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा, 4 बी एल का स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी एम का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, ये तो हो गया, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इक्वल मैं यहां बना रहा हूं। अब क्या होगा, देखो 4 बी ए का स्क्वायर, बी ए लिखो या ए बी लिखो बात तो वही होती है स्टूडेंट, देखो बी ए लिखो या ए बी लिखो बात तो वही है, तो ये क्या 4 बी ए का स्क्वायर एंड ए बी का स्क्वायर मतलब 5 ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, अब देखो 4 ए सी का स्क्वायर या सी ए का स्क्वायर तो बात तो वही है, ए सी या सी ए बात तो वही है, तो क्या होगा 4 टाइम है 1 टाइम है तो 5 ए सी का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे देखो इसको तो परेशान नहीं करो, ये तो हमारा आ चुका है, ये हमारा क्या था 4 टाइम बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर, ये तो हमारा आ चुका है स्टूडेंट, हमें इसको अरेंज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकालोगे तो क्या हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्लियर है, अब ये देखो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दो डायग्राम में, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का क्या होगा, बी सी का स्क्वायर होगा स्टूडेंट। क्लियर है, और हमने इक्वेशन 3 जो बनाया था यही बनाया था, देखो इन ट्रायंगल बी सी ए में, बी सी ए में हमने क्या बनाया था, देखो बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बनाया था, तो ए बी का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो ए बी का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब ए बी का स्क्वायर ए सी के जगह, तो क्या लिख सकते हैं 5 टाइम बी सी का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझे, इसका रीजन क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इसीलिए हमने इक्वेशन बनाया था कि आगे चल के यूज कर सके। तो हो गया स्टूडेंट, 5 टाइम बी सी का स्क्वायर आ गया, यही तो था 5 टाइम बी सी का स्क्वायर प्रूव करना था। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, राइट हैंड साइड भी आ गया, तो फाइनली हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या हो जाएगा, 4 टाइम क्या लिखेंगे, 4 टाइम बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम बी सी का स्क्वायर, हो गया स्टूडेंट, प्रूफ हो गया, हिंस प्रूफ। क्लियर स्टूडेंट, हिंस प्रूफ। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर था लेकिन बहुत आसान था स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, पहले सिस्टमेटिक में देख लेते हैं, तो हमने देखो पहले हमने ये किया, यहां से किया, ठीक है, ये करेंगे, फिर इसके बाद ये करते हुए जाएंगे, फिर नेक्स्ट, देखो सिस्टमेटिक में मैं बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि आप नोट कर सके स्टूडेंट।